सेनों, मुल्क की मैदान की सेनों, जानते हो तुम कौन हो? हम इस जंगल के बादशाह हैं, खुदा के आजाद बंदर, सूरत के डाकू और सीरत के वही से हैं। नाम तो डाकू है लेकिन काम के कम खुआर है। हाल है कंगाल को, जरदार को तलवार है। लड़ते हैं डाका जनी ईमान ही के वास्ते, लड़ते हैं इंसान से इंसानों ही के वास्ते। खुदा शाहिद है कि हमने आज तक किसी बेवा या यतीम पर हाथ नहीं उठाया। हकम है अपने सरदार के मुकद्दस हस्ती की, याद तक किसी नेक इंसान वाले औलाद को नहीं सताया। अमीनों की दौलत लुटवा कर ईमानदारों तक पहुँचाते हैं, बाजियों के गले खोद कर शरीफों के हलक पे रिश्त पहुंचाते हैं। जिंदाबाद मेरे दिलेरो, शाह साहब की यही तालीम है और शाह साहब का यही फरमान। उन्हें लूटो जो लूटा करते हैं इज्जत गरीबों की, उन्हें खाओ जो खाया करते हैं दौलत गरीबों की। हमारा काम है हर एक छोटे को बड़ा करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। शाह साहब का हुक्म है, हम आज ही शाहजहाबाद के सुल्तान गजनी खान चुनाए और उस चोरी के माल को उन तंग दस्तों में बंटवा दे जो सुबह की रोटी खाकर शाम को आसमान की तरफ ताकते हैं, जो सर्दी के आम में गर्म कपड़ा न मिलने से अपने जिस्म को धूप में सेकते हैं। लानत है उसकी अस्मत और जाहिर जलाल पर जिसको तरसना है गरीबों के हाल पर। रुतबा तथा शाही सब एक है, बंदे सब खुदा के। अल्लाह अकबर, हम सब आपके साथ चलने को तैयार है। नहीं मैं मान तनहा ही जाऊंगा। अल्लाह अकबर। याद रहे तुम्हारा ये पेशा दुनिया में तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हम नुमान फैलाने के लिए है। जाओ अमीरों से कह दो इन गरीबों को सताया ना करे, इनकी बदौलत ये बड़े बड़े महल, ये खजाने, गाड़ियाँ, ये घोड़े, ये वस्त्र हासिल होते हैं। उन मजदूरों को पेट पालने के लिए चार पैसे देते वक्त जीना चुराया करे। है सर में खुदी जिनके भरी उनसे कह दो वो पुलिस भी खुदा वाला है, उसका भी खुदा है। लेकिन शाह साहब कभी कभी दिल हिलता है, डाका डालते वक्त मेरा जमीर मुझसे नफरत करता है। मेरे अजीज तुम डाकू नहीं हो, डाकू वो है जो जाहिर में अपने आप को गरीबों का मददगार बताते हैं लेकिन वाकई में उनका खून चूसकर उनकी प्यारी जिंदगी पर डाके डालकर खुद बड़े आदमी बन जाते हैं। लड़ो दुनिया में बढ़ चढ़कर मगर तुम मान पर लड़ना, वतन का दर्द रखते हो तो तुझी शान पर लड़ना। लेकिन शाह साहब मेरी राय में तो लड़ने झगड़ने के बजाय शांति और अमन की जिंदगी बसर करना अच्छा है, और खुदा के बंदों पर तलवार न चलाकर उनके नाम की तस्वीर गिराना अच्छा है। वैसे जब मैं तलवार उठाता हूँ तो मेरे हाथों में झटका आता है और मुझसे तो इसका बोझ ही नहीं संभाला जाता है। चुप करो कहरो, तुम दोनों कम हिम्मत हो, जलालुद्दीन हैदर के भतीजे कहलाने के मुस्तैक नहीं हो। मैं भी यही समझता हूँ, मैं जब इन तीनों बच्चों पर नजर उठाता हूँ तो हिम्मत और सुजाक के निशाना इस लड़की के चेहरे पर ज्यादा पाता हूँ। तुम्हारा ख्याल ठीक है, सबसे पहले यह सबक सीख लिया करती है फिर मदद इनके पढ़ाने में ही दिया करती है। ये वो शमा है जो फानूस के अंदर रहकर भी वस्म को रोशनी पुरनोर किया करती है। बाबाश मेरी बच्ची, तुम शाह साहब से कहाँ तक तालीम हासिल कर चुकी? अब्बा जान तलवार चलाना सीख चुकी हूँ, पानी पर तैरना जान गई हूँ, घोड़े पर दौड़ना आ गया है और अब शिकार करने जाया करती हूँ। जान चुके हैं, हम भी तो शिकार खेलने जाया करते। तुमने कल किसका शिकार किया? मैंने कल बतख का शिकार किया। और तुमने? मुर्ग का शिकार किया। अमीरा तुमने? अब्बा जान मुझे इन छोटे छोटे परिंदों पर तीर चलाना पसंद नहीं, मुझे तो शेर के शिकार का शौक है। नजमंद हमें शर्मिंदा किया जा रहा है, देखा जाएगा, बदला लिया जाएगा। शाबाश मेरी दुखकर, खुश किस्मत है वो बाप जिसकी ऐसी होनहार औलाद हो और मुबारक है औलाद जिसका ऐसा साजना और उस्ताद हो। हमें तो भी पूछता ही नहीं। अरे इस डेढ़ फुट की लड़की के आगे साढ़े तीन हाथ का आदमी किसी को सूझता ही नहीं। बस करो, तुम तीनों इम्तिहान के मैदान में सामने आओ और जलाल के सामने अपने इल्म और शुजात के जौहर दिखाओ। लीजिए पहले मैं आता हूँ। नहीं पहले मैं कदम बढ़ाता हूँ। अच्छा बताओ चांद किसकी रोशनी चमकता है? खुदा की रोशनी से। अपनी रोशनी से नहीं, सूरज की रोशनी से। और खुदा कहाँ रहता है? अर्श पर, वरिष्ठ में, हर जगह। वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, वो अर्श पर भी है, वो फर्श पर भी है, कोई उनका खास मुकाम नहीं। शाबाश मेरी दुक्कर, बस करो बेवकूफो, बैठ जाओ। तुम दोनों आदमी बेवकूफी के इम्तिहान में कामयाब हुए। शाह साहब कहते हैं हम कामयाब हो गए। पहली नहीं दूसरी कामयाबी है, इनकी जांच तो हो चुकी, अब शुजात की आजमाइश बाकी है। तुम दोनों में से सेठ की कुर्सी कौन लड़ेगा? अरे चाचा जान अब इन चारों से क्या कुर्सी लड़े? अरे कोई इंसान हो तो दो हाथ भी लड़े। वैसे मुझे अपनी पोशाक गंदी हो जाने का ख्याल रहता है। मेरे तो तंगी से बने हुए बाल बिगड़ जाने का सवाल है। मेरी राय में तो बेवजह किसी को सताना नहीं अच्छा, किसी को भी ऊपर से उड़ाना नहीं अच्छा। देखा इन शुजात को? देखा, मैं तो इन दोनों से तभी मायूस हो गया था जब बाबा के बीमार रहने से भाई साहब ने गाय का दूध पिलाया था। तुम्हारा ख्याल ठीक है,
अच्छा है अपने ताली के नाम को चमकाने वाली, अपने कौम का नाम ऊंचा करने वाली, अपने बाप की इज्जत को बढ़ाने वाली। आदि हौसला हमीदा, आगे बढ़ और इस शेर का शिकार कर। इन गरीब लड़कियों का मददगार अल्लामा बता तो सुल्तान के नाम से किस हरामखोर का घर बसाती है? हुजूर, हुजूर। बदमाश, मगरूर, बेकार की बात नहीं सुनी जाएगी। शरीफ लड़कियों को धोखा दे देकर लाती है और सल्तनत के नाम को धब्बा लगाती है। बता बता किसके इशारे से तू ये हराम कमाती है? सरकार, सरकार। नाम बतावत किरदार वरना है अंदर होगा मैं सीने के पास। बोल बोल और चावल जिसमें पकते हैं वो कौन सी है? तूने सही नाम बता दिया, इसलिए मैंने तुझे रिहा किया। जा चली जा, बस चली जा, चली जा, चली जा। देख ले, देख ले, ऐ परवरदिगारे आलम, अपनी इस दुनिया को देख ले, जिसे नापाक बंदे कितनी ही नाजिस और कितनी ही गंदी बना रहे हैं। बेगुनाह और कुंवारी लड़कियों की अस्मत को छुप छुप कर दाग लगा रहे हैं। जो बना है उससे क्या ये वही इंसान है? क्या यही तहजीब का पुतला हया की कान है? अशरफुल मखलूक कहते हैं जिसे अहले नजर हिर्स का बंदा है, वो इंसान नहीं हैवान है। हुजूर, एक दाम और। उदसाम है रश्के बागे जिना है, जमीन से यहाँ तो खिजल आसमां है, हवा सर्द है क्या सुहाना समा है, जवानी है महबिले महजशा है, सुराही में मैं है खुदा मेहरबा है। एक टाला और ना, दिल को सुरूर मिलता है जामे शराब से, जर्रे को नूर मिलता है साफताब से। सब्ज बोतल में लाल लाल शराब, अब तो ईमान का खुदा हाफिज, दुखते रजवे तरह लगी है मुंह से इस मुसलमान का खुदा हाफिज। सलामत जी हुजूर। दुनिया की बेहतरीन नेमत क्या है? ऐश शरत हुजूर। तो बस मैं ऐश और शरती चाहता हूँ सलामत, मैं ऐश और शरती चाहता हूँ। बेशक सल्तनत और बादशाहत पाकर भी ऐश और इशरत ना करना खुदा की तौहीन है। लेकिन सलामत जी हुजूर, रियाय का इंतजाम? हुजूर को उससे क्या काम? क्यों? उसका इंतजाम तो हुजूर का नवाबवादी कर रहा है। बस मैं शोशति करूंगा सलामत, मैं शोशति करूंगा सलामत। लेकिन सलामत जी हुजूर, जब मैं शहर की बहू बेटियों को तुम्हारी मार्फत बुलवाता हूँ, तुम्हारे साथ बैठकर तनाई में तुम्हें जाम लगाता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे इन अफाल को कोई देख रहा है। कौन देख सकता है हुजूर? मैंने तमाम देखने वालों के रास्ते बंद कर दिए हैं। कौन देख सकता है जिसकी बेशुमार आंखों को तमाम दुनिया के इंसान ने मिलकर बंद नहीं कर सकते? कौन? जंग जितना सालार आली सरकार। तुम यहाँ इस वक्त? ताजुब की बात है कि तमाम शहर में बगावत की खौफनाक आग फैली हुई है और यहाँ सुल्तान को खबर तक नहीं पहुँची। वहाँ हर एक इज्जतदार बाशिंदा दिल ही दिल में जल रहा है और यहाँ शराब का दौर चल रहा है। शराब का दौर? कतई नहीं, शराब का दौर बहुत ही नाचीज और हराम पहुँचते है। ये तो जरा दूर के दुश्मनों को तपन नजला हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ शरबतें बरसता इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी माल कौन देखता है? सरकार अभी तो माल गुजारे तमाम बाकी। मेहरबानी की बात है, सरकारी कौन देखता है? सरकार अभी तो जंगल रोज रोज करते जा रहे हैं। की बात है, सरकारी जंगल देखता है सरकार। अभी तो मकान की मरम्मत तक नहीं होगी। आपको शहरी मामला की क्या खबर है? खबर है शहर की बहू बेटियों को जबरदस्ती बुलाया जाता है, बेइज्जत और बेअज्जत बनाया जाता है, गरीबों को बेगार से, दौलतमंदों को नजराने की मार से, फरियादियों को धुतकार से, और रियाया के रहनुमाओं को हथकड़ी और बेड़ियों के वार से दबाया जाता है। जब इतना अंधेर है तो यहाँ बगावत क्यों न फैलाएगी? अरे तो वह उससे जाकर क्यों नहीं कहते जो इस सल्तनत का एक हथियार मुसाहब है? तुम्हें बार बार सुल्तान के पास क्यों भेज देते हैं? तुमसे आकर कहें, तुम्हें उनकी आंखें फोड़ो और तुम्हें आगे हमारे आगे आकर रोए। पता है सब मौत का, क्या कोई खजा को, क्या जख्म दिखाए कोई शमशीर सफा को। कहते हैं फकत इतना है खातिर से मकतूल, बस बस सिद्ध उधर को। तो सुल्तान के मुसाहब की जात पर खुला खुला हमला है।
हाँ खुला खुला हमला है। रिया ने तुम्हारी ही जात पर दावादार किया है। रिया ने तुम्हारी ही वजह से बगावत का झंडा खड़ा किया है। सुल्तान तो उससे बड़ी जिम्मा है, वो तो इंसान की शक्ल में फरिश्ता है। और रियाया मिस्र औलाद के हर बादशाह उसका बाप, और कोई भी बाप अपनी औलाद पर निगाहें बंद नहीं उठाएगा। और कोई भी बादशाह बुजुर्गी और अजमत के तख्त पर बैठकर इतना जलील, इतना कमीना और इतना संगदिल नहीं होगा। क्यों खुदाबंदे आलम बेशक बेशक कमबख्त बड़ा ही खुशियां सुल्तान को ही गालियां देता है और सुल्तान से ही दाद लेता है। चले जंग, तुम जाओ और रियाया से कह दो मैं खुद कल आकर उनका इंसाफ करूंगा। हाँ तो हुजूर बटलरों की लड़ाई का दिन है। तो परसों सही परसों पतंगबाजी के लिए मुकर्रर है। तो उसके अगले दिन सही। उसके अगले दिन घुड़दौड़ पर जाना है हुजूर। तो उसके अगले दिन के बाद सही। उसके अगले दिन एक किश्ती पर सैर करवाने जाएंगे। तो ये कहिए ना कि उम्र भर फरियाद सुनने का वक्त ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, जरूर आएगा। दिलेजन तुम जाओ और याय को समझाओ मैं इसी हफ्ते आके उनकी फरियाद सुनूंगा। सो जाए सुल्तान। बस यही वक्त है जब मैं टोल दरवाजे की तरफ जाऊं और वहां से खसाना चुरा लूं। अरे इसके अंदर तो कोई है, देखू कौन है। तो ये है कीर्ति हीरो से बना हुआ हार जो इस सल्तनत को और सुल्तान को दाल से ज्यादा अजीज है। तू जिला वतन किया हुआ कौमी रहनुमा, तू यहाँ किस लिए आया है? तू चोरी कर रहा अपने वास्ते और मैं चोरी कर रहा अपने गरीब वालों के वास्ते। तू पागल हो गया है? गुनहगार नहीं, सल्तनत का मुजरिम है, लेकिन हराम नहीं, सरकार नहीं। तू यहाँ से नहीं जाएगा। जाऊंगा ये दौलत और ये हीरे का हार लेकर जाऊंगा। सर तो ले, इससे पेशते ही मैं तुझे जहन्नुम का रास्ता दिखाता हूँ। अगर ये ना होती तो अब तक मैं रुस्तम कहलाया होता। मैंने सौरभ का किताब पाया हो। हाँ जमाल भैया, वाकई तुम जमाल हो, हैं? तुम भी कमाल हो। बहुत कमाल करते हो, तुम भी बहुत कमाल करते हो, तुम भी बहुत कमाल करते हो। अभी भी खड़े-खड़े बातें हो रही है। गतका खेलने की बात अभी तक पूरी नहीं की। उस्ताद साहब, हमने तो गतके की तालीम खत्म कर चुकी है। गतका, पाला, ढाई, झूठ, हथकड़ी सब जान लिए। ये सब जान गए या नहीं ये नहीं कह सकते। हाँ, गतका जान गए। अरे बेवकूफो, अगर जान गए तो आ गए हो और हमीदा के साथ दो दो हाथ करके जाओ। लीजिए पहले मैं आता हूँ। ठहरो कमाल, तुमने उल्टे हाथ से तलवार उठाई है। हाँ, वो मेरा ध्यान जरा दूसरी तरफ था। आओ हमीदा। लाना था इसे खेल पे, इतना जोर से झटका आया पूरा हाथ ही भिन्ना गया। बस करो कमाल, तुम्हारा कमाल हमने देख लिया। जमाल तुम आ गए, आओ ठहरो। तुमने भी उल्टे हाथ से तलवार उठाई। अरे उल्टे हाथ से उठाई या सीधे हाथ से उठाई तो सही। ये लीजिए, सीधी हो गई। आओ हमीदा। ठहरो। Yeah.
रहा हूँ, बहुत बुरा हुआ। अब उस कैद शैतानी से पेश कर जलाल को छुड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। क्यों कमाल, क्यों जमाल, चाचा को छुड़ा कर ला सकते हो? उस्ताद साहब, मैं तो अकेले छुड़ा लाता, पर इस गक्के बाजी ने तो मेरे 80-5 सभी लेकर दिए। मेरी तो होश आवाज इस मनुष्य कबर ने उड़न छू कर दी है। कम मत तो, ये बातें तो रोज की है, लेकिन चाचा को छुड़ाने का काम जिंदगी में एक दफा का है। साहब, पहले आप पीछे आप, पहले जान फिर जहान। कम मत तो पाजियो, तू है तुम्हारी जिंदगी पर, तू है तुम्हारी बुद्धिलाना बातों पर, अब मौला क्या होगा? शाह साहब, जिस काम को करने में अबरार और उनके साथियों का गिरोह लाचार है, जो काम मेरे भाइयों के वास्ते बहुत ही मुश्किल और दुश्वार है, उसी काम को खुदा की मदद से और आपके दुआ से ये नाचीज लड़की तैयार है। शाबाश मेरी बच्ची, मैं तुझे वहाँ जरूर भेज देता, लेकिन कब? जब तू लड़का होती। क्यों, बेटी क्या बाप की औलाद नहीं समझी जाती? क्या बेटों की तरह माँ बेटी को दूध नहीं पिलाती? ये सब बातें सच है, मगर लड़की याद रख, तू फिर भी लड़की है। पर लड़की का ही सवाल में जोश और हौसले का हारिज है। तो लीजिए, आज से मैं लड़का हुए जाती हूँ, मर्दाना लिबास पहनती हूँ और हमीदा से हमीद बनकर अपने बाप को छुड़ाने के लिए रवाना होती हूँ। तो ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो जा, लेकिन अपने साथ 4 जमदकार मुसल्ला साथ लेती जा। नहीं, मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगी। देखो तुम तो, देखो अपने दिले दिल बहन की शिजात को देखो, और जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मरो। मैं आज तुम दोनों को अपनी तालीम का नजरिया करता हूँ। ये सब इसी लड़की की बदौलत है। मेरी आम तो इसका कत्ल करना चाहिए, अपनी तरक्की के रास्ते से इस खादा पौधे को हटा देना चाहिए। लेकिन बहन है वो। अजी कैसी बहन, सगी बहन थोड़ी ना है, बहन भी है तो चचा जात बहन है। तो ठीक है, एक बार और पिन्नार, हम भी दिखा देंगे, हम भी कमाल जमाल है, हम भी कमाल कमाल है, हम भी कमाल जमाल है। कमाल, तू इधर कोई कही है, मगर किस कदर की चलती है, गोया हवा हो रही है। कैसा चलती है दिखाई नहीं। अरे देखा जरा, वहाँ पे कौन सो रहा है? ये तो किसी बकरी के चराने वाले का लड़का लगता है। हटो हटो हटो, अरे मेरी मियाँ, ये तो हमीदा है, देखते नहीं किसी मर्दाना लिबास पहन रखा इसने। एक काम करो, कहीं से रस्सी लेकर आओ, इसको बांध के नदी में फेंक देते इसको। तरकीब तो ठीक बताई, मगर रस्सी कहाँ मिलेगी मेरे भाई? रस्सी कहाँ मिलेगी? रस्सी कहाँ मिलेगी? रस्सी, हाँ याद आया, रस्ते में एक घसियार घास सीधे सीधे सो रहा था, उसके बाद रस्सी का टुकड़ा था। जल्दी लेके आओ। हाँ मैं भी आया। लेकिन जरा जल्दी आना, मैं यहाँ पे अकेला। मैं भी आया। हाँ जल्दी आना। बेवकूफ लड़की, तू समझती कि तू है दिलेर? घर भी है तो इमाम नुमा शेर, अभी तेरे सर खंजर देंगे भौंक और तेरा खून पी जाएंगे बन के जौक। लेकिन नहीं, यहाँ तो वो निशाना एक आदमी की जिंदगी का मददगार हुआ। बस समझ जाओ, साधु अब ये बंदूक की गोली तुम्हारा खून से जान छुड़ाएगी। एक लड़का जो तुम दोनों से आधा है, तुम्हें खुद बनकर छिपटा था, हरगिज नहीं, जरूरत गरीब को मार डालने का तुम्हारा इरादा था, और अब अपने बुरे इरादे की सजा पाओगे। तुम्हें की सिफारिश करते हो? हाँ, मैं आपसे इनकी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। लेकिन ये इंसाफ के खिलाफ है। मगर ये रहम की मुआफिक है। ये रहम के मुस्तहिक नहीं है। जरूर है। क्यों? क्योंकि ये बुजदिल कातिल और कमजोर सिपाही है। मैं नहीं समझता कि ये तुम्हें मार डालने के लिए तुम्हारे गले में फंदा डाल रहे थे, तुम इनकी जान क्यों बचाते हो? क्योंकि ये मेरे भाई है। ये तो और अफसोसनाक बात सामने आई, भाई होकर ऐसी कार्रवाई? ये भाई है या कसाई? अदब है इसके नजारे, ये दुनिया एक तमाशा है, कोई शैतान की सूरत कोई शक्ल फरिश्ता है। जाओ चले जाओ, मैं इस शरीफ भाई की सिफारिश पर तुम दोनों कमीने को जान बख्शता हूँ। चले जाओ, चले जाओ।
तुम्हारी फराक देरी, खुश अखलाकी और आली हिम्मती की दाद देता हूँ। तुम एक होनहार नौजवान हो, नेक हो, रहमदिल हो और बाईमान हो। वही इंसान है इंसान पर जो रहम खाता है, अजा के हाथ से अपने खातिर को बख्शवाता है। आपने मेरी जान बचाई, मैं जिस कदर आपका शुक्रिया अदा करूँ थोड़ा है। मेरा शुक्रिया बेकार है, हर एक की जान बचाने वाला वो परवरदिगार है। अच्छा रुखसत तस्लीम। लेकिन हाँ जनाब का नाम? मेरा नाम बेजंग है। जनाब का दौलत खाना? गरीब खाना शादियाबाद, और मैं वहाँ के सुल्तान गजरी खान का सिपह सालार। क्या मैं भी इस पाखस्ती का नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? इस खाकसार को हामिद कहते हैं। खूब हामिद तस्लीम। मेरे मौसिम सलाम। सलाम। जंग सिपे सालार, तुम्हारा ये प्यारा नाम तुम्हारी जुबान से निकल कर मेरे कानों तक आया, मेरी रूह से टकराया। बेशक तुमने मेरी जान बचाई, मुझे दूसरी बार जिंदगी दिलाई, साथ ही साथ उस जान पर और उस जिंदगी पर फतेह पाई। बुलाओ उस पास कहते हो अपनी किस्मत का रिवास्ता सुनने के लिए हमारे सामने बुलाओ। दिल बकरी बना करते हैं जिसके सामने, संग दिल पानी हुआ करते हैं जिसके सामने, शर्कसों के सर झुका करते हैं जिसके सामने, फल परिंदों के जला करते हैं जिसके सामने, उसके बहनों में हौसला बरकरार का, तोड़ दूंगा ठोकरों से सरनांदाज का। बोल 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 उपमायजल, तू शाही खजाना चुराने क्यों आया? शाही खजाना? खजाना जिसको कहते हो वो गरीबों की कमाई है, हिफाजत हो जान सुल्तान ने कुर्सी बिछाई है, मुआफी झोंके लेकिन लूट वह तुमने मचाई है, ये रियायत की अमानत ऐशो इशरत पे लुटाई है, ना बोतल आवे शर की रहने पाएगी, ये दौलत कौम की है और कौम के हाथों में जाएगी। वाह कौम के हमदर्द, तू वो दिन भूल गया तुझे इसी दरबार में हमने जलील करके जिला वतन किया था? हाँ मैं वो दिन भूल गया, लेकिन कौम वो दिन नहीं भूली, उसने इंतजार किया कि तेरा रवैया बदल जाए, तू नेक परवरदिगार बादशाह बन जाए, लेकिन तू नहीं बना, नहीं बना। नाज़म इस पर, अपने फर्ज पर, है ज़रूरत अपने ज़मीर पर, ऐसा घमंड अपने ईमान पर, इस कदर भरोसा अपने खुदा पर। खुदा खुदा खुदा, खुदा के नेक बंदे आधी रात में किसी के मकान में नकाब ला कर नहीं जाते, वह चोरी करना तो दूर उनकी पराए माल पर निगाह भी नहीं डालते। पराए माल पर हरगिज़ नहीं, गलत है तू जो कहता है, मेरे दबीने हैं ये मजदूरों के आंसू हैं, किसानों के पसीने हैं, जो हकदार बेचारे हैं, यहाँ नाच मुझे रात दिन सागर छलकते हैं। अबे नाच मुजरों और सागरों को क्यों कोसता है? ये हत्या तो दौलतमंद का ही पाकिस्तान है, कभी कोई दौलतमंद भी तेरी सूखी रोटी पर नजर डालने गया है? पिंटू की दौलतमंद के दस्तर पाने की तरफ पूरी तरह घूर रहा है, ये रईसों की रियासत जो बिगड़ जाती है तुम्ही कमबख्तों की नजर वहाँ पड़ जाती है। रईसों की रियासत जो बिगड़ जाती है तुम कमीनों में खाती है। तू झूठ बोलता है। चुप, रईसों की दस्तर खान के झूठे झूठे खाने वाले कुत्ते। चुप कुत्ते कुत्ते, अबे अबे कुत्ते किसे कह रहा है? तुझे जो अपने गली में अपने भाई को आता देख भौंकता है, जो एक सूखी हड्डी के वास्ते अपने भाई से लड़ पड़ता है। कुत्ते होकर भी हम वो कुत्ते हैं जो अपने मालिक की जान माल की हिफाजत में अपनी जान लड़ा देते हैं। हाँ तुम कुत्ते होकर वो कुत्ते हो जो खाते और घुलाते हैं। बोल बोल उस रोज शाही खजाने में चोरी करने तू गया था, मैं पति क्या कह रहा है? हीरे के संदूक को तू नहीं खोला था, मैंने तो नहीं कर जाती, उस बेइज्जती हाथ पर तेरा हाथ पड़ा था, मेरा लगता है मैं कसम से सुल्तान के मुकद्दस कदमों की, मैंने तो चोर दरवाजे खजाने को देखा तक नहीं। सुल्तान के मुकद्दस कदमों की झूठी कसम खाने वाले तेरी चालाकियां सुल्तान की आंखों पर पर्दा डाल सकती है, लेकिन ये मत समझ तुझे कोई देखता नहीं, अल्लाह देखता है नेको बद के फेर, माले हराम घर का लाता भी खाएगा, पी लेके खून तेरा बदकार। ये खुदा बंदे ने मत जो कि नमकवार ने ही इसको चोरी करते हुए देखा है, इसलिए नमकवार की जान भरी चोरी का इल्जाम लगाता है। चोर नहीं सीधा चोर भी है। हाँ खुशामद ने समझ की कोठी पर कुफल डाले हैं, नाखे धुंधली दिल के पर्दे तक डाले हैं। चोरी और सीना चोरी, उस साहब की जात पर झूठा इल्जाम, अब तो ये भी हम नहीं कि कहे पना दो, पहले था गुना एक अब है गुना दो, सजा भी दो तजवीज कर दीजिए, पहली में मौत और दूसरी में जहन्नुम भेज दीजिए। मुस्ताक लुटेरे, मैं इतने में भी अपनी रहमदिली काम में ला सकता हूँ,
अगर तू इन कदमों में अभी गड़गड़ाए तो तेरे जुर्मों को माफ करके इस दरबार का दूसरा मुसाहब बना सकता हूँ। लानत है इस मुसाहबत पर। और ये सर इन नापाक कदमों पर गिड़गड़ाए, माफी मांगे हरगिज नहीं, हमेशा सर ये उठाए उठा रहेगा, झुका है तो बस खुदा के आगे झुका। बीजा हम भी तो इन कदमों पर अपना सर झुकाते हैं। फिर बोला तो तुझे अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगना मंजूर नहीं? नहीं नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार नहीं। सर ना कम होगा कभी तेरी जफा के सामने, खोल कर सीना बढ़ूंगा तेरी बला के सामने। मर मिटेंगे आज दोनों अपनी अपनी राह में, तू खुद ही के सामने और मैं खुदा के सामने। आज तो करे मेरे जब्त की भी इंतहा है, शरीफ डाकू मेरे सब्र की भी हद है। सुल्तान को शरीफ डाकू कह डाला। हाँ अब तक शरीफ डाकू कहा, अब जलील डाकू कहने को तैयार हूँ। हेठ मेरे गुस्से को बहुत ना भड़का, भड़काऊंगा ताकि वह तुझी को जाकर खास किया कर दे। तू मेरी सुल्तानी ताकत से ना टका। और मैं भी कहता हूँ खुदा के कहरों के जब से खोखा तू बर्बाद हो जाएगा। वक्त जब मेरा खुदा मुझसे फिर जाएगा, हरगिज न पड़ सकेगा मुझ पर बला का साया, जब तक दिल में नेकी सर पर खुदा का साया। मैं मजबूर हो गया और तेरे सर पर मरना नहीं है। कोई है जल्लाद को बुलाओ, एक उस्ताद को उसका सर गरम करके उसका प्रजा के मुंह में भी अवतार बाकी है। एक शाम तपे आफ्ताब बाकी है, प्रजा के मुंह में हाँ आफ्ताब बाकी है, रहेगी धूप अगर आफ्ताब बाकी है। तो बस यह है मेरा आखिरी फैसला, एक उस्ताद का सर गरम करके इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर चीर का वो मिला दो। ऐ खुदा बंदे जमा मालिक हर कोने में, तेरे बंदों के लिए करता हूँ मैं जान कुर्बान। अल्लाह अकबर। हैं तेरे कौन दूसरा डाकू? इंसान का डाकू। मेरे से बात तेरे से और भी खौफनाक है। खबरदार तो तुम्हें हलवा दिखाई खबरदार। और खाने का दस्तरखान लगाओ तो हाजिर रहने का झगड़ा, टोपी साफ कर दो जूतों की सफाई का गिला और सब काम डंच करके रख दो तो मालिक साहब फरमाते हैं खाली क्यों बैठा है बे? यार ये नौकरी की जिंदगी क्या है, सारा एक झमेला है झमेला। खुदा जाने नौकर रखने का मजबूर सिरवा सारा किस साजा से पैदा हुआ है, क्या इसका खात्मा ही नहीं होता? क्यों मैं पूछता हूँ कि एक शेर दूसरे शेर को नौकर क्यों नहीं रखता, एक भैंसा दूसरे भैंसे को नौकर क्यों नहीं रखता, और एक कौवा दूसरे कौवे को नौकर क्यों नहीं रखता? मतलब ये है कि जब तक कुदरत के दंडे परिंदे और चरिंदे तक मालिक को नौकर बनना नहीं चाहते तो सारे वो मोटी मोटी तोंद वाले अमीर आदमी हम जैसे दुबले पतले इंसानों को चार चार आठ आठ पे महाबार पर क्यों हलाल करते हैं? कहा है नौकरी पेशा लोग सब चले मेरे साथ, आज अल्लाह तआला की खिदमत में फरियाद ले जाना चाहता हूँ। बड़े मियां से कहूंगा कि हजरत एक शख्स दूसरे शख्स का नौकर क्यों कहलाता है, जबकि 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 इन मच्छरों तक में भी यह रस्म न पाया जाता है। खसकी टट्टी के कमरे में सोने वाला क्या जाने बाहर पंखा खींचने वाला इतनी तकलीफ उठाता है। तौबा 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 तौबा, इस बाबू चिकरी ने तो जान ले ली है, सारा दिन चूल्हा फूको हंडिया चलाओ चिकन बनाओ शोरबा बनाओ मछलियां करो, एक अकेली जान मार खुदाई बात का तूफान। ये बावची खाने से छुट्टी मिली नहीं तो शहर में गश्त लगाने जाओ, गोरी चिट्टी लड़कियों को बैका बैका कलाओ और तनख्वाह बढ़ी 12.5 रुपए महीने का बास आई है से नौकरी से। और वो खुद का कमीना इस घर का नौकर कमरू भी साला अभी भी मुझे बार बार चिढ़ाता है, मुझे बावची नहीं समझ रहा है, उसे क्या मालूम कि मैं अब सलामत की बीवी बनने वाली हूँ। आज ही साफ साफ कह दूंगी कि बीवी बनाना हो तो बीवी बनाओ, बावर्ची की जरूरत हो ना तो हवा। ये लो बावर्ची साहिबा अभी तक यही खड़ी हुई है। अरे वहाँ पर चूल्हा ठंडी आ रही है, किसे बावर्ची कहना?
मैं तो मुसाबन हूँ मुसाबन, फिर से बावर्ची खाना तो तेरा मुंह फूंकूंगी। ओ बाप रे, हरीश ने तो मेरे मुंह को ही चुल्ला समझ लिया। अरे ओ चपाती बेगम, कहीं गुस्से गुस्से में आपका गिला ना हो जाए। जा जा, तेरे मुंह पर चुटकियों का धुआं डालू। जा जरा आईना तो उठा ला, इस चूल्हे फूकने की नौकरी ने तो सारी खूबसूरती खराब कर डाली। अरे आईना मंगा कर क्या करोगी, मुझे ये आईना समझ लो। अच्छा लो इधर देखो और अपनी खूबसूरती का नक्शा सुनो। आए हाय, अरे तंदूर की तरह तेरा मुंह लाल, डबल रोटी की तरह तेरे फूले हुए गाल, आंखें आपकी फाकों की मिसाल, नाक टिकाने की तरह नमकीन मार। चुप कंगा, फिराया 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 बासी कड़ी में उबाल। देख मेरी मांग कैसे लाल हो रही है। हाँ कच्चे मुर्गे जैसी टांग हो रही है। कब बात तुझे साला कर रही तुझे तो साला तो बावर्ची तो बहाना है, बल्कि तुम क्षमा हो और बंदा बनवाना है। पास है मैं क्षमा बनवाने की शायरी से। ए मियां सुन लो, मैं इस घर में बावर्ची बनकर नहीं रहूंगी, बीवी ही बनकर रहूंगी। इसलिए जाओ कोई काजी को बुलवाओ और शहर मुताबिक निकाह पढ़वाओ। मियां बीवी रहती तो क्या करेगा काजी, और निकाह पढ़वाने से क्या फायदा, तो बीवी और बावर्ची दोनों का मजा आ रहा है। नहीं मैं बावर्ची बनकर नहीं रहूंगी, बीवी ही बनकर रहूंगी, कह देती हूँ। बीवी को भी बावर्ची बनकर रहना पड़ेगा। ये क्यों? ये है कि हम पुराने ख्याल वाले मुसलमान हैं और हमारे यहाँ बीवी और बावर्ची एक ही काम किया करती है। आग लगे से पुराने ख्याल तो मैं कह देती हूँ, बीवी बनने के बाद बावर्ची का काम भूल कर भी ना करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मत करना, मुसावन बनकर ही रहना। मियां मुसावन तो बीवी मुसावन, कैसी रही? बहुत अच्छी। सरकार क्या है नाम का? गांव से कुछ आसामी मिलने आए हैं। जाओ बुलाओ। जाओ मैं चली जाओ। क्यों? जब बीवी बना ही लिया है तो शर्म किस बात की? अरे तो क्या हर मुसाब की मुसावत उसकी मुसावत के काम में शिरकत करती है। चली जाओ। हुजूर को सलामत बनाए, इन्होंने तो आता ही सुल्तान को मारा। हुजूर बेगम रहे। अरे बेगम तो तब रहे जब बेगम हो, यहाँ तो बावर्चीन है बावर्चीन। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हुजूर इस साल पैदावार बहुत कम हुई है। हुजूर हम क्या करें? देखो क्या हुजूर से पैदावार कराने आए हो? अरे हुजूर ने कभी नाश थोड़े ही पैदा किया है, हुजूर तो दौलत पैदा किया करते हैं। हुजूर हमारी माल गुजारी माफ कर दीजिए। हुजूर माल गुजारी माफ हर किस नहीं, चौड़ी कौड़ी ली जाएगी। इधर आओ इधर आओ। अरे कुछ नजर भेंट भी लाए? हुजूर हम बहुत गरीब आदमी हैं। हुजूर हमारे माँ बाप बपाए बच्चे मर जाए। हुजूर हमारे भाई का दो अमरू इन उल्टों का पट्टा मेरे हाथ से निकाल दो। क्या कहा, माई भी और बाप भी, अरे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कुछ दो दिलाओगे तो यहाँ से कुछ लेकर जाओगे, खाली माई बाप कहने से कुछ नहीं पाओगे। अच्छा हम पीछे एक घड़ी अनाज देंगे। बस घड़ी पर हारे नहीं हो सकती, माल गुजर को आप नहीं हो सकती। अच्छा हुजूर हम पीछे दो घड़ी। ये तुमने फायदे की बात कही। हुजूर सच मुझे बहुत गरीब आदमी है, इनकी माल गुजारी माफ कर दीजिए, आइंदा फसल पर हर पौने दो धड़ी नाच देने को कहते हैं। अच्छा जाओ कल सुबह एक अर्जी लिखकर हमारी अदालत में पेश करो। हुजूर बड़े गरीब नवाज। चलो साल भर के खाने से तो छुट्टी मिली। कमरू तूने ठीक वक्त पर कौड़ी फेंकी, अब जाओ अल्लाह वा को बुलाओ। अजियो बावर्ची साहिबा। फिर तूने बावर्ची की बात लगाई? अरे नाराज ना हो दिलाराम, ये तो इसने साल भर के खाने का किया था इंतजाम, इसलिए ले दिया बावर्ची का नाम। उन आसामियों से कितना नाश पक्का हुआ। फल पीछे पौने तो धड़ी। देखा मुझे मुसावर बनाते ही जाग उठी तेरी तकदीर। वही सही वही सही, हम तो पहले भी तुम्हारी तकदीर का खाते थे, तुम्हारे याद का बना हुआ खाते हैं। खुदा ना
मेरी प्यारी मुसाहबर, आओ यहाँ। आई मेरे होनार मिया। शादी के पहले का ये दस्तूर। टोपी तो मैं वाली मेरे प्यारे हुजूर। इसलिए आई हूँ ताकि आपकी नापाक रंगरलियों को अपनी आंखों से देख सकूं और अल्लाह ताला से गुजारिश कर सकूं कि वो तुम्हें अक्ल दे। हाँ, अक्ल क्या मुझ में नहीं है? अगर अक्ल होती तो कहीं छोटी छोटी लड़कियों के साथ तुम इस तरह से नाचते? मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन खून कर दो तुम बला की मेरी जिस्मदार का, सिर उड़ा डालो डाल तो गर्दन में फंदादार का, मगर खुदा के वास्ते सुल्तान तुम होशियार हो, मत करो वह काम जिसमें दलो खार हो। खामोश, बदजबान औरत, मैं दलीलो खवार हूँ। नहीं थे, नहीं थे, लेकिन अब शैतानों ने कर दिया है। देखो तुम्हारी शराब ने क्या हालत कर दी है इन भोली वाली लड़कियों के साथ जिनके साथ तुम नाच रहे हो। ये तुम्हारी बेटी रोशन नारा की सहेलियाँ है। क्यों, अकल आई, नशा उतरा? उन्होंने भी अभी तक मुझे नहीं बताया कि ये शहजादी की सहेलियाँ हैं। ये तुम्हें तब बताती जब ये खुद होश में होती। इनको तो तुमने अपने से भी ज्यादा खिला रखी है। बेशरम लड़कियों, चली जाओ यहाँ से। दोबारा इस कमरे में ना आना। सरकार, कहो। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कहो। आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए। मलका मलका मलका, मैं जानता हूँ ये बुरी बोझ है, मगर मैं इसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? ओह मेरी प्यारी बीवी, मुझे तुम्हारे ही सर की कसम है, अक्ल मेरे पास है मगर मैं सोच नहीं सकता, आंखें मेरे पास है मगर मैं देख नहीं सकता। इसी शराब की बदौलत इसने मुझे अंधा कर दिया, बहरा कर दिया, इंसान से एक हैवान बना दिया। मैं तुमसे कहता हूँ इस दुखती रज को कोई मुंह ना लगाए, मगर ये कहते हुए भी मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ये किस लिए? ये इसलिए कि इस डूबते हुए दरिया में मैं इतना आगे पहुंच चुका हूँ कि पीछे आने की कोई सूरत ही नहीं। तो मेरे लिए क्या हो? तुम समझ लो कि तुम बेवा हो गई। मेरे शोहर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे जो कहना था मैं वो कह चुका। देखिए मेरे मालिक, आपकी इस शराब ने क्या हलन कर दी। आपने जो अपने दामाद और नवासों की आरती निकलवाई, तब भी मैंने आपसे कुछ न कहा। आपने जब मेरे भाई महमूद को विजारत से अलहदा किया, तब भी मैंने आपसे कुछ न कहा। लेकिन आज जब ये रियाया आपसे बागी होकर आपको तख्त से उतारना चाहती है, तब मैं आपसे गिड़गिड़ाकर अपना दामन फैलाकर आपके कदमों में अपने सिर को झुकाकर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरी मान जाइए, मान जाइए मेरी मान जाइए। मैं आपकी बेबी हूँ। और मैं कौन हूँ? आप मेरे जानो माल के मालिक, मेरे शोहर। तो बस तुम्हें तुम्हारे शोहर के ही सर की कसम है, चली जाओ ऐसी, चली जाओ। या खुदा बंद करी, इन्हें होश दे। या खुदा बंद करी, इन्हें होश दे। इन्हें होश दे। भर के मैं पीऊंगा। हाँ? भेजा इसमें तो कुछ लिखा है, ऐशो इशरत में गाफिल रहने वाले सुल्तान, तेरा खजाना 24 घंटे में चोरी। ये रात में हमें ही दोही तो नहीं जो उस रोज जलाल को छुड़ा रहा ले गए। ये वही तो नहीं जो उस रोज भरे दरबार में खून कर गया था? हाँ, कुछ परवाह नहीं, डाकुओं और चोरों से डर जाए, ये सुल्तान किसी खा नहीं। खुदा बंद, खुदा बंद, खुदा बंद, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। हाँ, बड़ी मुसीबत है। हुजूर, तुम क्या कह रहे हो? हुजूर, मेरे पास एक पर्चा है। पास भी एक पर्चा आया है। एक सही खत,
बेताई मजबूत निहार आफत का है तबाही सलामत होशियार मेरी रहे में तो उस दिलेर से चीज में चला रहता है उसी नमक हराम नौकर की बर्बाद की हुई इसमें करामत है ठीक है अब तक मेरी शुभा दूसरी तरफ थी कोई है इसी वक्त दिलेर जंग को यहाँ बुलवाओ सलामत अब क्या होगा अब क्या होगा हुजूर मेरे पास जो पर्चा आया है उसमें 24 घंटे का वक्त है लेकिन तुम्हारे पास जो पर्चा आया है उसमें भी एक हफ्ते का वक्त है लिहाजा तुम मुसल्ला आओ खजाने का पहरा दो क्या कह रहे हो हुजूर मैं तो आपके नाम पर झुकने आया था आपने तो मुझे मौत के मुंह में डाल दिया आज मैं समझ गया तू सचमुच मुझसे है अच्छा ये काम मैं खुद करूंगा मेरी ताकत के सामने वो कम से झोंका क्या है खजाना लूट लेना कोई लड़कों का खेल समझा है वो खुद चाहता है मेरी निशानी पर बल आए असल आए है मेरे नाथवा के पर निकल आए जंग कुछ डाको इस सल्तनत को बर्बाद कर देना चाहते हैं इस सल्तनत के खजाने को लूट लेना चाहते हैं ऐसा हरगिज नहीं होगा ऐसा जरूर होगा तब तक तुम जैसे नमक हराम और सल्तनत में बागी डाको की साजिश में शरीक होंगे तब तक ऐसा होगा मैं इस साजिश में शरीक हूँ हरगिज नहीं कौन कह सकता है बदहाल हूँ गद्दार हूँ मैं खैर बा उसका हूँ जिसका की नमक पार हूँ मैं रब तो है अगर जाको कुछ तो वफादारी से है मेरे दिल में वफार वफादार झूठी बात है ये मुद्दे की बात है खुदा लगती बात है वो है कमजर जो मिल के दगा करते हैं उन पे तू खजा खुशावत में रहा करते हैं मैं का प्यारा नहीं सुल्तान मुझे प्यारा है मैं मुसलमान हूँ ईमान मुझे प्यारा है क्या तू ईमानदार है शाह जीविकार की कसम ईमानदार है उस परवरदिगार की कसम जान निसार है इस तलवार की कसम बस कटो कसौटी पर खरा खोटा पर कसा जाएगा इसी वक्त से 24 घंटे तक तू खजाने का पहरा देगा और अगर वहां से एक भी रूपा गायब हुआ तो इसका इल्जाम तैसा होगा तो तुम ये समझ रहे हो कि सुल्तान रजनी का इस बात से बेखबर है नहीं मैं ये नहीं कह रही कि वो बेखबर है बल्कि मेरा कहना तो यह है कि वो होशियारी करने के बाद भी हम पर फतेहार नहीं हो सकते क्यों क्योंकि अगर उनकी तरफ बदी है तो हमारी तरफ नेकी उनकी तरफ अगर जुल्म है तो हमारी तरफ रहम उनकी तरफ शैतान है तो हमारी तरफ खुदा एक बेईमान ईमानदार पर कभी फतेहार नहीं हो सकता शाबाश मेरी बच्ची जीती रहे खुदा तेरी मदद करे मैं पिछले एक हफ्ते से तेरी मोहब्बत और हिफाजत की वजह से शादी आबाद में तेरे साथ हूँ मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि तू अपने मरहूम बाप की वसीयत को जरूर पूरा करेगी क्यों कमल जमाल तुम क्या चाहते हो आपका हुक्म मेरा हुक्म है कि तुम वापस चले जाओ और हमीदा ने अपने वालिद की जो दौलत तुम्हें देती है उससे अपनी जिंदगी बसर करो उस्ताद साहब हमीदा की इसी एहसानत ने हमारा सर झुका दिया है गाफिल मुसाफिरों को पाक रास्ता दिखा दिया है तो अब क्या इरादा है यही कि उन एहसानात का शुक्रिया बजा लाए और खिदमत और इताअत की सच्ची खुशी है उसका लुत्फ उठाए तो ठीक है हमीदा ने जिस काम का बीड़ा उठाया है जाओ उसमें उसकी उसका हाथ मिलाओ ठीक है कि रिया हमारा साथ देने के लिए तैयार होगी पहले भी थी और आगे भी रहेगी फतेह ही फतेह है उस्ताद साहब अग्री बच्चों जाओ खुदा हाफिज खुफिया राजों का किला टूटने में ज्यादा देर नहीं है बारूद भरा हुआ है तो चढ़ी हुई है इधर कोई गया है अभी जो नौजवान तुमसे बातें कर रहा था वो इधर कोई गया है ना हाँ वो इधर कोई गया है क्या बता सकोगे कि उसका वहां जाने का इरादा है नहीं बता सकता क्यों फकीर को इन झगड़ों से क्या वास्ता अच्छा तो उसका नाम ही बता दो फकीर को नहीं मालूम उसका वतन कौन सा है फकीर नहीं जानता जाकर तू देख ले तू है या तेरी मोहब्बत और यहाँ कुछ भी नहीं लड़की तू दीवानी मालूम लगती है हाँ मैं दीवानी हूँ जिसका नाम तक नहीं जानती जिसके रहने का मुकाम तक नहीं जानती पर आपको तो मैंने कहीं देखा है देखा होगा फकीर तो हर गली कूचे में फिरा करते हैं वो सबसे अलग भी रहते हैं सबसे मिले हुए भी रहते हैं अच्छा तो खुदा परस दुएश तुम दुनिया को रास्ता दिखाते हो आज मुझे भी दिखाओ तो जाओ अपने महल में जाकर सो जाओ ये आपने कैसे जाना कि मैं
महलों की रहने वाली हूँ। फकीर से कुछ नहीं छुप सकता लड़की। अच्छा तो मेरा नाम क्या है? तू यहाँ फकीर का इम्तिहान लेने आई है? मैं तेरा क्या तेरी माँ का भी नाम बता सकता हूँ। जरूर कोई पहुँचा हुआ फकीर है। अच्छा पापा मेरा नाम तो बताओ। तेरा नाम रोशनारा है। बस मैं समझ गई, तुम जरूर कोई खुदा से मिले हुए फकीर हो। तुम उसका भी नाम जानते होगे। लिल्ला मुझे मेरे प्यारे का नाम तो बताओ। तू उसका नाम क्यों पूछती है? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। दिल से प्यार करती है? हाँ दिल से, जान से, दीन और ईमान से। मगर वो तो एक डाकू का लड़का है। हाँ तभी तो उसने मेरे दिल पर डाका डाला है। वो रहता कहाँ है? जंगलों में। उसका नाम क्या है? हमीद। इस वक्त वो कहाँ होगा? मौत के मुंह में। मौत के मुंह में? हाँ मौत के मुंह में। तो मैं भी वहीं जाऊंगी और मौत के उखार दरिंदों के सामने अपनी जान रख दूंगी और उसकी जान बचाऊंगी। तो तू उसकी जान बचाने का वादा करती है? हजार बार। तो ठीक है, अगले 3 घंटे में शाही खजाने पर हमीद तुझे मौत से कुश्ती हुआ लड़ता मिलेगा। बस मैं समझ गई, वो वही है जिसने शाही हरमसार में तीर के जरिए खत भिजवाया था। वो वही है जिसकी निगाहों के तीर से मेरे दिल और जिगर को जख्मी किया। वो वही है, वो वही है। बस मेरा काम खत्म हुआ। ऐ मेरी प्यारी तलवार, आज तेरा भी इम्तिहान है और मेरा भी। इस पहरेदारी में आज वफादारी का इम्तिहान है। पूरे 22 घंटे गुजर गए मगर तक ना कोई चोर आया ना कोई डाकू। हैं? कौन कौन? कोई नहीं, ये तो सिर्फ मेरा वहन है जो कभी कभी मुझे चौंका देता है। कौन से टकराने आएगा यहाँ तूफान से? कौन ऐसा है जो हो बेजार अपनी जान से? कोई घर देख भी सकता नहीं दीवार के। आने वाले आते ही यूफान का दीवार। कौन? हमीद तुम डाकू के सरदार हो? कौन? दिलेदम, तो तुम हो इस खजाने के पहरेदार? हाँ मैं इस खजाने का पहरेदार हूँ। लेकिन तुम? मैं इस खजाने को लूटने को तैयार हूँ। क्या कहा? इस खजाने को लूटने के लिए तैयार हो? अमीर तुम वो शख्स हो जिसको मैंने उस रोज शिकारगाह के मैदान में 2 आदमियों के हाथ से बचाया था, जिसको मैंने उस रोज मौत के मुंह में हाथ डालकर छुड़ाया था। जाओ तुमको जिंदगी देता हूँ इस बार भी, छोड़ता हूँ तुमको मैं भी और मेरी तलवार भी। या अल्लाह, यहाँ आकर मैंने किसे मुकाबले में पाया? ये जान जिस पर निछावर है, ये दिल जिसका दीवाना है, जिस पर आँख नहीं उठती उस पर ये तलवार उठाना है। क्यों अमीर, क्या यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, इस दलील जिनके कान इस नहीं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमित मैं तुमसे दूसरी बार कहता हूँ, यहाँ से चले जाओ। जत पे आना मेरी इस तलवार की अच्छा नहीं। तुम अभी नादान हो, दुनिया में कुछ देखा नहीं। वार करना मर्द का बच्चे पे कुछ जबा नहीं। तेरा क्या, तुम पर तो मेरा हाथ का कुत्ता नहीं। तो फिर खजाने की पहरेदारी छोड़ दीजिए। खजाने की पहरेदारी मेरा फर्ज और ईमान है। अगर खजाने की पहरेदारी तुम्हारा फर्ज और ईमान है तो खजाने को गायब करना मेरा फरमान। खामोश अभी खामोश, करगोश जरा सामने इसके खड़ा है। मैं मौत हूँ, तलवार मेरी खुद में कजा है। चाहे जो कुछ हो, चाहे इस खजाने की एक एक ईंट गार की वजह खून से तस्बा किया गया हो, चाहे इस खजाने की एक एक टुकड़ा परवरिश और आराम पहुंचाने की बजाय जहर खातिर का काम करता हो, लेकिन मैं उस वक्त तक इस खजाने की हिफाजत करूंगा जब तक कि आफ्ताब इस दुनिया में अपनी सुनहरी किरणें न फैलाए। आफ्ताब निकलने से पहले इस खजाने की संदूक को इस खजाने से ले जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। किसकी ताकत से? इस तलवार की ताकत से। बेशक हमीद तुम एक दिलावर आदमी हो। बेशक दिलेजंग तुम एक बहादुर आदमी हो। ये तलवार की लड़ाई में मैं और तुम दोनों बराबर हैं। अब ये सर उस सर से टकराएगा, छाती उस छाती के घमंड को दूर करेगी, यानी तुम्हारी और मेरी कुश्ती होगी। नहीं, तुम्हारी और मेरी कुश्ती नहीं होगी। क्यों? क्यों? इस क्यों का क्या जवाब? इस लड़ाई में तो हमीद और हमीदा का भेद खुल जाता है। क्या करूँ, अपनी टोपी उतार कर अपनी असली सूरत दिखा दूँ? दिखानी ही पड़ेगी, कब तक छुपाऊंगी? जिस पर हमीद बन का फतह ना पा सके उस पर हमीदा बन के फतह पाऊंगी। क्यों हमीद, कुश्ती लड़ने से इनकार है? हाँ इनकार है। इनकार की वजह क्या है? वजह यह है कि ये हमीद नहीं बल्कि हमीदा है। वाह,
नहीं जागता जादू है। मैं इसे देख रहा हूँ, उसे देखकर मैं ये नहीं समझ सकता कि चांद जमीन से निकला है या आसमान से उतरा है। शाही खजाने के लूटने से पहले हमीदा तूने मेरा वो खजाना लूट लिया जिस पर आज तक किसी ने निगाह नहीं उठाई थी। दिल ने आज की जंग में वो चोट खाई है जो आज से पहले कभी ना खाई थी। लोग कहते हैं माशूक पे दिल आता है, मुझसे कोई पूछे आता नहीं दिल जाता है। जाओ, इस नहीं हो सकता, मैं इस हुस्न के शराब में इतना बेहोश नहीं हुआ कि अपने फर्ज को भूल जाऊं। अपने फर्ज को मैं भूल जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूं इस खजाने की हिफाजत करूंगा। तो क्या एक दिलेर्दन औरत के मुकाबले तलवार खाने में आमादा है? हाँ आमादा है, क्योंकि अपने वो मोहब्बत के मुकाबले में अपने फर्ज को ज्यादा अजीब समझता है। एक औरत से लड़कर दिलेर्दन दिलेर्दन नहीं समझा जाएगा। उधर भी मौत है और इधर भी मौत है, औरत से लड़ना भी मौत है और खजाने की हिफाजत न करना भी मौत है। लो दिलेर्दन मुझे गिरफ्तार कर लो। क्या कह रही हो? मैंने ये खजाना चुराया है, मुझे गिरफ्तार। ओ हमीदा हमीदा तुम यहाँ से चली जाओ, खजाना चुराने के जुर्म में तो सजा मिलेगी, उसको मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ये क्या दगा? तू होश में तो है? नहीं सुल्तान, मैं बेहोश हूँ। मैं अपना होशो हवास अक्ल मान सब खो चुका। और खजाने का संदूक है तो कहां है? हाथों में दे दिया। बोल बोल, मेरे ऐतवार का खून करने वाले परे और मकान के पुतले, वो तलवार को हाथ में लेकर झूठी कसम खाने वाली जुबान कहाँ है? वो दिलेरी और बहादुरी की झूठी शान कहाँ है? सुल्तान मैं कसूरवार हूँ, अगर दगाबाज या मक्कार नहीं तो क्या तूने डाकुओं से मिलकर खजाना नहीं चुराया? नहीं। तूने उनका मुकाबला किया? तूने शिकस्त खाई? नहीं। तूने मुकाबला भी किया, शिकस्त भी नहीं खाई, फिर खजाना खजाने से कैसे चोरी हुआ? देखते हो सलामत? हुजूर साहब बनावट है, बनावट सब बनावट है। कोई है इसको अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लो और दिन निकलते ही इसको फांसी पर चढ़ा दो। किसे फांसी पर चढ़ाते हैं? इस दौलत को चुराने वाला तो मैं हूँ, इस दौलत का डाका डालने वाला तो मैं हूँ। आप एक बेकसूर को कसूरवार क्यों ठहराते हैं? देखिए खुदा बंदे नेमन, कैसी साजिश है, चोर और पहरेदार की ऐसी साजिश कभी किसी ने नहीं देखी होगी। साजिश है, मिली बात है। जा इस दिलेर्दन के साथ इस डाकू को भी फांसी पर चढ़ा दो। ठहर जाओ, इस डाकू से पहले अपनी बेटी को फांसी पर चढ़ाओ। रोशनारा तू? हाँ रोशनारा। यहाँ कैसे आई? दिल ले आया। क्या भक्ति है? भक्ति नहीं, सच कहती हूँ। इंसान अपनी आंखें बंद कर सकता है, अपने कानों पर हाथ रख सकता है, अपने मुंह पर भी ताला लगा सकता है, पर इस दिल पर कोई काबू नहीं पा सकता। जिस रोज दरबार ने पहली मर्तबा इस डाकू को देखा, उस दिन से अपना शौहर बना लिया है। ओ भेषन बे आया इस कदर, जा तू भी जा, इन दोनों के साथ इसको भी फांसी पर चढ़ा दो। किसे फांसी पे चढ़ा दो? ठहर जाओ, ये एक मलका का हुक्म है। मलका तुम इस झगड़े में ना आओ। आऊंगी, मैं इस झगड़े में जरूर आऊंगी। अपनी बेटी के हाथों में हथकड़ी लगने से पहले अपने हाथों में हथकड़ी डलवाऊंगी। चला दो चला दो, इन मुजरिमों के साथ साथ इनके हिमालय को जला दो, इस रियासत को जला दो, इस तख्त को जला दो। बगावत बगावत सलामत। बगावत है, बड़ी जबरदस्त बगावत है, और वो बगावत इस खुशामदी चाबलूस मुसाब की बदौलत है। किरदार खुदाई फौजदार, इस्लाम का हिमायती और मजलूमों का मददगार। सुल्तान अब तू सुल्तान नहीं रहा, ये फौज तुझे तक सुल्ताने के लिए तैयार है। दुनिया का हर जालिम सुल्तान एक रोज इसी नतीजे पर आ जाता है। चुप कर डाकू के हिमायती फकीर, आज मैं ताजदार नहीं हूँ, तख्त नशीन हूँ, मगर मैं फिर भी सुल्तान हूँ। बिलाशुबा सुल्तान, आप अब भी सुल्तान हैं।
तो फिर मुझे तख्त से क्यों उतारा? सुल्तान, तुम्हारे कारकुनों ने सल्तनत में कदर मचा रखा था। तो क्या मैं से खता मारूं? जिसका हाथ में तुमने सलामत के हाथ में इसकी हरामजादे ने जोर दे रखी थी, उस हरामजादे की वजह से सब हुआ। अब मेरे लिए क्या फैसला है? अगर तुम रियाय के सामने झुककर अपने खता की माफी मांगो और अपने शैतानियत को इंसान में तब्दील कर सको, तुम्हारे लिए माफी। ओ बाकियों, सरकशों, आज तुम इतना आगे बढ़ गए, क्यों दिलेर जंग? सुल्तान, मुझे अफसोस हुआ, आपने ना मेरी उस वक्त मानी ना आप मानने को तैयार हैं। सुल्तान, यानी कि आपको रियाय की आवाज के सामने आपको अपना सर झुका देना चाहिए। ना क्या हो रहा? वरना उस सलामत में की तरह हमारा भी सल्तन से अलग होगा। सुल्तान देखिए, गौर कीजिए और समझिए। देखा समझा, उसी सलामत बेग की वजह से मैंने जलालुद्दीन हैदर को शहर बदर कराया। उसी चालाक बदमाशों की वजह से मैंने प्यारे महमूद को जेल बिजारत से अलहदा किया। मुझे अफसोस है सुल्तान कि तुम अब भी रियाय के सामने झुककर माफी नहीं मांगते। एक जिद्दी सुल्तान का सर काट दो। किसका सिर काट दो? जब तक ये मलिका जिंदा है उसके शोहर का कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपनी रिद्दत छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन ये मलिका अपना फर्ज जरूर निभाएगी। एक औरत से तलवार हाथ में लेकर हम जंग के लिए तैयार नहीं। अगर आपके दिल में औरत के लिए इतनी ही इज्जत है तो मैं तलवार फेंक देती हूँ। एक औरत की हैसियत से, एक मलका की हैसियत से और इनकी बीबी की हैसियत से अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मलका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रियाया के सामने सिर झुका के माफी नहीं मांगते तो मैं मलका इस रियाया के सामने अपना सिर झुका के माफी मांगती हूँ। एक औरत, तेरी फतह हुई, मैंने तेरी सिफारिश पर सुल्तान की जान बख्शी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस फैसले को जरूर मंजूर करोगे। सुल्तान, देखो अपनी इस मलका की हालत और इंसानियत का सबक सीखो। सीखा मलका, मैंने तुम्हारे भाई महमूद के साथ जो जुल्म किए मैं उसकी माफी मत मांगता हूँ। सुल्तान, तुम मलका से माफी मत मांगो। तुमने उसके भाई महमूद वजीर पर तो जुल्म किए, उनसे तुम बड़े जिम्मा होंगे, क्योंकि वो सब और सलामत बेग की शरारत थी। तुम अब बेअब हो गए सुल्तान, इसलिए तुम ये कहते कहते अचानक क्यों रुक गए? तुम्हारी आंखों में तो आंसू है। सुल्तान, मैं तुम्हारे कदमों में झुककर उन खताओं की माफी मांगता हूँ। मैं अपने कदमों में खताओं की माफी मांगता हूँ। शाह साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मत कहो मुझे शाह साहब, मैं शाह साहब नहीं हूँ, आपका ताबेदार, इस सल्तनत का अदना खादिम, मलका उसरा का भाई, मैं ही महमूद वजीर हूँ। महमूद मेरे भाई, मेरे प्यारे महमूद। सुल्तान, मैं जिस कदर चाले चलते रहा उन सब का मुद्दा सिर्फ एक था, उस सलामत बेग का खात्मा। मैं चाहता था सुल्तान कि तुम अच्छे सुल्तान बनो। देखो सुल्तान, ये जलालुद्दीन हैदर की औलाद है, मैंने उस नेक शख्स को भी चोर और डाकू बना डाला, उसे वो काम कभी पसंद नहीं था। मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम दोनों के साथ जो जुल्म किए मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों को चोर और डाकू बना डाला। वीरो मुर्शद, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सुल्तान, अब मेरी दरख्वास्त है कि अब तुम ये ताज पहनो और हम सबको मबरूर करो। नहीं, मैं सल्तनत के लायक नहीं रहा। ये तुम क्या कर रहे हो सुल्तान? ये सल्तनत अब तुम ले लो। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। अगर ये हरगिज नहीं हो सकता तो इस ये ताज मैं उस आदमी को देता हूँ। लो दिलेर जंग, मैं इस सल्तनत की मालिक की हैसियत से ये ताज तुम्हें देता हूँ। आप ये ताज किसे दे रहे हैं? सिपे सलार को? वो सुल्तान नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? मैं आपकी बच्ची, मेरे होते हुए कोई गैर शख्स इस सल्तनत का मालिक नहीं हो सकता। तू चाहती है सल्तनत? तू रहे इस साल में खुदा से दूर कर देता है। लेकिन इसकी असली हकदार तो यही है। लो ये ताज पहन। मैं मल्लिका हो गई। अर्जी ताज मैं उस शख्स के सर पर देखना चाहूंगी जिसको मैंने अपने सर का ताज बनाया है। शहजादी, आप ये क्या करती हैं? पहले तुम्हें सुल्तान बनाऊंगी, उसके बाद अपना शौहर। ना तो तुम मुझे सुल्तान बना सकते हो ना ही अपना शौहर। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये हामिद नहीं, हामिदा है। हाय हाय, ये तो बड़ा धोखा हुआ। मेरी शादी किससे होगी? अफसोस ना करो शहजादी, मैं आपको अपनी सबसे प्यारी चीज
इन्हें जंग सौंपती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझे चाहते हो, इसके बदले मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसे चाहो। सुल्तान, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने हाथों से ये ताज बहादुर दिले जंग को पहनाएं और शहजादी रोशनारा का हाथ इसके हाथ से मिला दें। आओ दिले जंग, आओ बेटी। औरत जात का नाम रोशन कर दिया। जो मुजस्सिम नूर है वही मुजस्सिम नूर।